चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. UDTS उससे भी बना सकते हैं। तो ये तीन चीजें तो हमारे को व्यू बनाने के काम आती हैं और उस व्यू को हम एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट्स में। वो मार्केट्स हैं कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, या कमोडिटी, या करेंसी, या कोई भी मार्केट। इन व्यूज को आप जब यहां पर अप्लाई करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ये मार्केट उनके काम आती है। कैपिटल मार्केट के अंदर कोई जो छोटा आदमी है वो 100, 50, 1, 2, 5 कितने भी शेयर इन्वेस्ट कर सकता है। इंट्राडे, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म वो यहाँ पर हो सकता है। डेरिवेटिव आपको कम पैसे में ज़्यादा काम करने को मिलता है, हेजिंग कर सकते हो, राइट, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन से हेजिंग कर सकते हो। कमोडिटी में आप इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं डेरिवेटिव, कमोडिटी और करेंसी, इनके एक लिमिटेड टाइम है, उन टाइम के अंदर आपको सौदे को स्क्वायर अप करना है। तो डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसीज, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम आते हैं। कैपिटल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या हम डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, शॉर्ट टर्म हमेशा ट्रेडिंग होती है, राइट। तो कमोडिटी, करेंसी और डेरिवेटिव में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें केवल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे कि हमने व्यू तो बना लिया, व्यू बनाना आ गया मुझे। अब व्यू बना के मुझे काम करना है। काम करना है मुझे कहाँ पर? डेरिवेटिव मार्केट में। और डेरिवेटिव मार्केट के भी एक सेक्शन में करना है, उस सेक्शन का नाम है ऑप्शंस, ठीक है। फ्यूचर्स तो हम कर चुके हैं, फ्यूचर्स आपको मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, राइट। तो आज हम जो टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस स्टार्ट करने से पहले या थोड़ा सा मैं आपको जस्ट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑप्शंस बेसिकली, अगर मैंने एक व्यू बनाया, चलो हम व्यू बना के चलते हैं। हमने एक व्यू बनाया पर्टिकुलर स्टॉक में, से HPCL के अंदर मेरा क्या व्यू है? बुलिश, ठीक है। तो मैं ऑप्शंस में क्या करूंगा? कॉल परचेज करूंगा, यानी कि मैं HPCL की कॉल को बाय करूंगा। ये एक बड़ा सिंपल मेथड है। प्रैक्टिकल में दो स्टॉक्स लेंगे, एक बुलिश व्यू के साथ और एक बेयरिश व्यू के साथ। व्यू हम UDTS के हिसाब से लेंगे, सबसे सिंपल तरीका हमको UDTS का लगता है। तो UDTS में मैंने आज कुछ स्टॉक्स छांट रखे हैं, विप्रो, इन्फी, अरविंदो फार्मा और टेक महिंद्रा, ये बुलिश स्टॉक्स हैं। और जो बेयरिश हैं वो है हीरो मोटर्स, भारती इंफ्रा, टाटा मोटर्स और BPCL, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम पहले कॉल ऑप्शन से। अगर हमने UDTS के ऊपर एक व्यू बना लिया कि मुझे एक स्टॉक को बुलिश खेलना है या मुझे उसमें बुलिश होके ही काम करना है, तो मुझे ऑप्शंस के अंदर कॉल ऑप्शन को परचेज करना है। पहली चीज, कॉल ऑप्शन को परचेज करना है। कॉल ऑप्शंस क्योंकि हेजिंग टूल है, ये हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है और हमारे लॉसेस को मिनिमाइज करता है, क्योंकि हम जितना ऑप्शन का प्रीमियम पे करते हैं वो हमारी एक इंश्योरेंस है कि वो अगर उस प्राइस से नीचे रहा स्टॉक तो वो मेरी इंश्योरेंस खत्म हो जाएगी, राइट। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉल ऑप्शंस को बाय करने से कर रहे हैं। सबसे पहले हमने व्यू बनाया, व्यू बना के हम ऑप्शन मार्केट में आए और उस व्यू को हम देखते हैं कि हम कैसे आज एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। मैंने UDTS के हिसाब से कुछ स्टॉक्स निकाले जो बुलिश और बेयरिश हैं। बुलिश में मैंने विप्रो को लिया, विप्रो एक बुलिश स्टॉक है मेरे हिसाब से, और टाटा मोटर एक बेयरिश स्टॉक है। तो क्योंकि आज हम कॉल ऑप्शन के बाय करके कुछ एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, तो क्या मैं बेयरिश ट्रेड को ले सकता हूं अभी? क्योंकि मेरे को अभी जो मेरे को ट्रेड लेना है वो कॉल ऑप्शन से रिलेटेड लेना है। कॉल ऑप्शंस क्या शो करती हैं? बुलिश साइन।
तो अगर मैं बुलिश हूं तो मुझे कॉल को बाय करना है, ठीक है। अभी हम बहुत आगे की स्ट्रैटेजीज पे नहीं जाएंगे, बड़ी बेसिक स्ट्रैटेजी कॉल बाय, इफ यू आर बुलिश बाय कॉल, ठीक। अब मेरे को ये पता है कि मेरे को विप्रो के अंदर बाइंग करनी है, ठीक। अब 326 रुपए का भाव है विप्रो, 326 रुपए 30 पैसे इसका फ्यूचर का रेट है और 327 रुपए 5 पैसे कैश का रेट है। आपको ये पता है कि फ्यूचर्स के रेट नॉर्मली कैश मार्केट से ऊपर चलते हैं ना, और वो इसलिए चलते हैं कि कैश मार्केट में हमको पूरा पैसा देना पड़ता है और फ्यूचर मार्केट में हमको केवल 20% पैसा देना पड़ता है, तो 80% जो पैसा हमने नहीं दिया है ये उसकी कॉस्टिंग है, ठीक। लेकिन आज कुछ अलग देखने को मिल रहा है, फ्यूचर्स नीचे हैं, कैश ऊपर है, ठीक है। मार्केट रोज आपको नई चीज सिखाएगी और ये मेरे हर लेक्चर में होता है। जो आज आपको क्लासरूम में सिखा दिया गया वो एक नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जब आप मार्केट को रोज देखोगे तो मार्केट आपको रोज नई चीज सिखाएगी। और आज आपको ये सीखने को ये मिल रहा है कि कैश प्राइस, ये देखो LTP 326.50 और 328 रुपए 30 पैसे, ठीक है। हालांकि जो फ्यूचर का प्राइस है वो ऊपर होना चाहिए कैश से। रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है कि कोई और कोई डिविडेंड हो कुछ हो, लेकिन मेरे हिसाब से, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कोई इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन अभी है नहीं। जो मुझे समझ में आता है, आज मार्केट ऑलमोस्ट कितने पर रुपए गिर चुकी है, कितने निफ्टी कितनी गिर चुकी है, 105 ऊपर है, और सुबह कितनी डाउन थी, 50 डाउन, तो करीब 150 पॉइंट की फ्लक्चुएशन निफ्टी के अंदर हो चुकी है, जो बॉम्बे में करीब 400-450 पॉइंट की फ्लक्चुएशन हो चुकी है ऊपर नीचे में। तो जितनी ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगी उतने इनके प्राइसेस में फर्क पड़ेगा। नॉर्मली आज क्या है, कैश का प्राइस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपकी काफी सेलिंग पोजिशन बनी हुई, राइट। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं कि हमको कॉल ऑप्शन परचेज करके चलना है। अब बात आती है कि कॉल ऑप्शन तो परचेज करनी है, कॉल ऑप्शन परचेज कौन सी करनी है। अभी विप्रो का रेट चल रहा है 328 रुपए, 328 रुपए में मुझे लगता है कि मार्केट यार कैसे भी हो लेकिन मेरा स्टॉक तो बढ़ना चाहिए, तो मैंने यहां कुछ स्ट्राइक प्राइसेस लगाए हैं विप्रो का। देखो अभी रेट चल रहा है 328, अगर मैं 320 से शुरू करता हूं, ये 320 है, इसका प्राइस कितना है, 8 रुपए 30 पैसे और 9 रुपए, ठीक है। 320 वाली मैं यहां लिख देता हूं, 320 वाली जो कॉल है उसका रेट है अप्रोक्सीमेटली 9 रुपए, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करूं, कॉल पुट भूल जाओ, सिंपल भाषा में क्या है, मैं ये कहता हूं मुझे 320 में माल दे दो, 9 रुपए का प्रीमियम ले लो। एक्चुअल रेट क्या चल रहा है, 328। 328 वाला माल मैं कितने में मांग रहा हूं, 320 में मांग रहा हूं ना, इसका मतलब मैं सीधे सीधे 8 रुपए नीचे मांग रहा हूं। उन्होंने कहा दिया लेकिन 8 में नहीं, हम आपको 9 रुपए में देंगे, यानी कि 1 रुपए प्रीमियम मांग रहा है वो केवल। अगर मैं इसको फ्यूचर बाय करता हूं तो मुझे 328 रुपए में फ्यूचर पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर लेता हूं तो 328 रुपए में इस समय मुझे फ्यूचर मिलेगा, 326.50 में कर लो, फ्यूचर मिल रहा है मुझे 326 में, और मुझे 320 की कॉल मिल रही है 9 रुपए में, क्या फर्क है दोनों में। अगर मैं ये लेता हूं तो मेरे सीधे सीधे 3 रुपए बचते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो मुझे 320 वाला 9 में पड़ रहा है, यानी कि 329 में पड़ा मुझे, भाई मैंने 20 रुपए में खरीदा लेकिन 9 रुपए प्रीमियम तो दिया, यानी कि मुझे ये जो विप्रो है वो 329 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं फ्यूचर लेता हूं तो मुझे 326 का पड़ेगा, कितने कितने का लॉट है, वेरी गुड, 2400, बड़े सट्टेबाज तुम लोग, 2400 शेयर का लॉट है, 2400 × 3 करीब 7500 रुपए आप फालतू दे रहे हो, यहां पर दे रहे हो ना। अब दिन कितने रह गए, कब खत्म हो रहा है ये सेटलमेंट, लास्ट थर्सडे, आज क्या तारीख है, 25, 27 को खत्म हो रहा है, 27/9/2018
आज दिन क्या है, आज तारीख है 25/9/2018, आज दिन क्या है, ट्यूसडे, और ये थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। मैं फ्यूचर लेता हूँ 26 रुपए में और कॉल लेता हूँ 29 रुपए में, यानी कि 9 रुपए प्रीमियम देके। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जो 20 रुपए वाली कॉल है मैंने केवल 9 रुपए देने हैं, यहाँ 9 रुपए इंटू 2400 करीब करीब 22,000 रुपए मुझे देने हैं, और मेरा सौदा 320 रुपए प्लस 9 रुपए 329 रुपए में खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मेरे घर से कितने पैसे गए, और साथ में मैंने ये भी अश्योरेंस ले ली सामने वाले से, क्योंकि मैंने कॉल परचेज करी है, मैंने 3 रुपए फालतू दिए। मैं क्या शक्ल से मूर्ख लगता हूं, मैं 3 रुपए क्यों ज्यादा दे रहा हूं? जब हम कोई चीज को ज्यादा देते हैं तो हम कुछ ना कुछ हम मांगते हैं। हमने ये मांगा कि ठीक है 3 रुपए ज्यादा दिए, लेकिन लेकिन अब मैं 22,000 रुपए जो मैंने दिए हैं, मैं अगर कोई अगर मार्केट जिस हिसाब से गिर रही है, कल 300 पॉइंट गिरी, उससे पहले 400 पॉइंट गिरी, एक एक दिन में शेयर 50% गिर रहे हैं, DHFL एक दिन में 50% गिरा, आप लोगों ने देखा है। ठीक है, और अगर मैं ये कहता हूँ विप्रो 50% गिर जाता है अगले 2 दिन में, और इसका भाव 150 रुपये रह जाता है, तो 150 × 2500 कितने पैसे गए, करीब 3.5-3.5 लाख रुपए जाएंगे, और मैंने उसको किससे हेज कर दिया, 22,000 रुपए से। मैंने उसको ये बोला कि भाई साहब मेरे से 3 रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन मैं 22,000 रुपए से ज्यादा का अब लॉस नहीं दूंगा, साथ में 320 रुपए से जितना ऊपर बंद हो गया उतने पैसे आप मुझे रिफंड करोगे। अगर ये 400 रुपए बंद हो गया तो आप मुझे 80 रुपए इंटू 2500 शेयर 2400 शेयर रिफंड करोगे, कंडीशंस हो गई ना। तो अगर मैंने 3 रुपए ज्यादा दिए तो ज्यादा देने के लिए मैंने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है कि भाई साहब 3 रुपए ज्यादा ले लो, लेकिन मैं नुकसान इससे ज्यादा नहीं लूंगा, और प्रॉफिट जितना आएगा अनलिमिटेड वो सारा मेरा। क्लियर है? अगर मैं 26 रुपए में फ्यूचर लेता तब क्या होता, या मैं 326 रुपए में ही सेम रेट चल रहा होता, मैं कैपिटल में 2200 शेयर खरीदता, तो उनमें क्या फर्क था? यहाँ 26 रुपए में मैंने लिया, 20% मार्जिन देना पड़ता, और कैपिटल कैश में लेता या कैपिटल मार्केट में लेता तो मुझे सारे के सारे पैसे देने पड़ते। ठीक, लेकिन उसमें रिस्क क्या था कि अगर ये जितना गिरेगा उतना मेरा नुकसान है और जितना बढ़ेगा उतना मेरा प्रॉफिट है। तो ये फ्यूचर लेके मुझे एक तरफ तो बराबर हो रहा है कि अगर बढ़ रहा है तो इसमें भी पैसे मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, लेकिन अगर गिर गया तो फ्यूचर में जाएंगे, ऑप्शंस में नहीं जाएंगे, एक लिमिट के बाद बस ये 9 रुपए जाएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर ये 20 रुपए के नीचे कल 27 तारीख को बंद हो गया तो आपके 9 रुपए चले जाएंगे। ठीक है, वो तो वैसे भी फ्यूचर में जाने हैं। अगर मैं फ्यूचर लूंगा और ये बंद हो गया 19 रुपए, तब भी इसके अंदर मेरे 6 और 1 7 रुपए का नुकसान होना ही है, अब 9 हो जाएंगे, लेकिन कम से कम मैं सेफ तो हूं। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी पोजीशन है। तो जब एक हेजर या जो कोई बड़ा ट्रेड करता है ऑप्शंस में फ्यूचर्स में, वही लोग ट्रेड करते हैं जो बड़ा ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अगर एक बहुत बड़ी पोजीशन है तो ऑप्शंस उसको हेज करके चलती है। राइट, अब हम ये चलते हैं, एक काम और करते हैं, ये देखते हैं कि सर ठीक है व्यू बन गया बाइंग का, लेना भी कॉल है, अब ये तो डिसाइड कर लें कि कॉल कौन सी लेनी है। 320 की भी ले सकते हैं, 330 की भी ले सकते हैं। 330 वाली क्या रेट है, देखो 330 की जो कॉल है वो केवल 2.5 रुपए है। ठीक है, और रेट चल रहा है 328 रुपए, 2 दिन बाकी हैं। अब क्या हुआ, आप जब 320 रुपए में सौदा ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर 9 रुपए का प्रीमियम लेंगे हम। ठीक, अब मैंने कहा कि नहीं यार 9 रुपए का रिस्क मैं नहीं बियर कर सकता, मेरे पास 9 × 2400 यानी कि करीब 22,000 रुपया मेरे में देने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक, अब मैंने ये सोचा कि चल मैं 330 की कॉल लेता हूँ,
330 की कॉल लेने का मतलब समझो। यहां मैं 320 की कॉल ले रहा था, मतलब मैंने 320 रुपए में सौदा ले लिया, प्रीमियम पे कर दिया। यहां भी वही मतलब है कि यहां मेरे को सौदा कितने में मिलेगा, 330 रुपए में। यहां प्रीमियम केवल 2.5 रुपए देना है, 2.5 रुपए इंटू 2400, यहां मेरे केवल 6000 रुपए का रिस्क है, यहां पर 22000 का रिस्क था पहले वाले सौदे में। ठीक है, अब 6000 में सारी कंडीशंस को दोबारा से देखो। 6000 में ये कहता है, अभी अब जितनी देर बैठे हो ना, कॉल पुट जो आप लोगों ने पढ़ा उसको ध्यान से नहीं सुनना, बस यही समझो कि 330 रुपए की कॉल ली का मतलब 330 रुपए में हमने ले लिया और प्रीमियम दे दिया। प्रीमियम किस बात का दिया कि भाई साहब गिर गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। 300 भाव चल रहा है 327 या 326 रुपए, मैं 3 रुपए ऊपर सौदा ले रहा हूं और साथ में 2.5 रुपए और दे रहा हूं। ठीक है, मैं मार्केट से 327 रुपए में भी ले सकता था, लेकिन मैंने कितने में लिया, 330। मैंने कहा भाई साहब 330 में लिया, लेकिन प्रीमियम कितना दूंगा, केवल 2.5 रुपए। क्लियर? तो अब यहां पर अगर 2400 रुपए का सौदा है, 2400 इंटू 320 कितने रुपए का सौदा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कितना है कैलकुलेट करो। 320 हाँ, 330 इंटू 2400 कर लो, 7,12,000, करीब 8,00,000 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मैं मार्केट में खड़ा कर रहा हूं। मैंने 8,00,000 रुपए के सौदे ले लिए, कितने रुपए देके, 6,000। ठीक है, तो इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती ना, रात को नींद भी आएगी। अगर 8,00,000 का सौदा वैसे लेके चले जाओ और रिस्क पूरा हो तो रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि DHFL को हम देख चुके हैं, यस बैंक को हम देख चुके हैं, एक दिन में 40% गिरा है, तो क्या ये एक दिन में 40% या 50% नहीं गिर सकता? ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये 8,00,000 का सौदा 50% गिर गया तो 4,00,000 रुपए गए, और मैंने 8,00,000 के सौदे को कितने में खड़ा किया, 6,000, क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी थी। ठीक, मैंने एक व्यू बनाया। अब अगर आपका व्यू ठीक है तो आप कम पैसे लगा के ज्यादा काम कर, ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन व्यू गलत है तो ऑब्वियसली, अगर व्यू गलत है तब तो आप ऑप्शन में भी नुकसान है, फ्यूचर में भी नुकसान है और कैपिटल मार्केट में भी नुकसान है। तो यहां सारा काम व्यू का होगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो आपके प्रॉफिट्स को केवल मल्टीप्लाई करेगी, अगर आपका व्यू ठीक है तो। अभी हम स्ट्रैटेजीज पे नहीं जा रहे हैं, अभी मैंने बहुत सिंपल ये किया है कि अगर मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया, बुलिश व्यू बनाया, तो मैंने उसके अंदर क्या करना है, ऑप्शंस में कॉल को बाय करना है। अभी हम कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर? और दूसरा पॉइंट क्या लिया कि हमको स्ट्राइक प्राइस को चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सौदा लेना है, और वो स्ट्राइक प्राइस मेरी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करती है कि मेरी कैपेसिटी क्या है और टाइम वैल्यू कितनी है। क्लियर है? अब मैं आता हूं इसी उसके ऊपर, हम टाइम वैल्यू पे भी आ जाते हैं। आपको ये पता है कि अब आज की डेट में केवल 2 दिन रह गए, 2 दिन रह गए विप्रो की एक्सपायरी में। अब अगर मैं 330 वाली कॉल 2.5 रुपए में लेता हूं और 2 दिन में अगर ये 30 से नीचे रह गया तो मेरे तो 6,000 गए ना, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब 2 दिन की जो टाइम वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 5 रुपए चल रही है। क्यों? क्योंकि रेट चल रहा था करीब 28 रुपए, हमने सौदा लिया 30 में और 2.5 रुपए का प्रीमियम दिया, तो अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5 रुपए की टाइम वैल्यू है ना। हमको सौदा कितने का पड़ रहा है, 432.50 रुपए का, और रेट क्या चल रहा है, 428 रुपए। तो 4.5 रुपए हमने 2 दिन की टाइम वैल्यू दी है। अब टाइम वैल्यू को कैसे सिंपलिस्टिक वे में समझना है उसको देखते हैं। ठीक है, ये अगर आपको बेस समझ में आ गया तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी बहुत इजी हो जाएगी, और ऑप्शन स्ट्रैटेजी जब आप करोगे तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से लेता हूं, क्रिकेट सब लोग देखते हैं, वनडे भी देखते हैं। अभी अभी मैच स्टार्ट हुआ, तेंदुलकर अगर खेल रहे हैं, 50 ओवर का मैच है, 300 रन का टारगेट है, क्या कहोगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो
जीतने रन बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 100% है ना, क्योंकि तेंदुलकर खड़ा है, कोई विकेट गिरी नहीं है, साथ में विराट कोहली है, ठीक है। उसके बाद 100 रन बन गए, 100 रन बन गए, विराट कोहली और तेंदुलकर अभी भी स्क्रीन पिच पे हैं, टारगेट वही है 250 रन। अब क्या हुआ, अब और ज्यादा चांसेस हैं कि बन जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा चांसेस रहेगा उतने प्रीमियम ज्यादा होंगे। अब क्या हुआ, अगर मान लो इस समय 4 विकेट गिर जाते हैं, 100 रन पे दोनों ने खेले और 4 विकेट गिर गए, तब क्या हुआ, चांसेस कम हो गई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे भी पैसे लगा देते हैं ना, वो रीजन यही होता है ना कि अब तो यार 5 आउट हो गया, अब नहीं जीत पाएगी, अब तो पाकिस्तान पे पैसे लगा दो, करते ना लोग, वो भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन है ये। जितनी अब यहां पर क्या है, अब आप समझो, जब मैंने 320 में सौदा लिया, 328 का भाव चल रहा है, तो मुझे पता है यार 330 के तो ऊपर ही है, चांसेस ज्यादा है कि ऊपर बंद हो जाएगा। लेकिन यहां क्या हुआ, भाव चल रहा है 328, मैं सौदा ले रहा हूं 330 में, तो चांसेस कम है, तो प्रीमियम कम है, राइट। अब और आगे चलते हैं, यहां समझ में आ गया ना, ये लो। अब मैंने कहा भाई साहब मेरे पास नहीं है 6,000 और मुझे विप्रो में तो काम करना ही है, मुझे पेजी लगती है। अब हमने 340 की कॉल देखी, 50 पैसे, 50 पैसे का रेट है 340 वाली, यानी कि अगर मैं 50 पैसे इंटू 2400 इज इक्वल टू 1200 रुपए लगा के कितने लाख का सौदा था, 800,000 का सौदा खड़ा कर दूंगा, 800,000 रुपए का सौदा मार्केट में खड़ा है, घर से लगे हैं 1200 रुपए, अगर ये एक दिन में बढ़ गया ना 100-150 रुपए, मान लो 100 रुपए भी बढ़ गया, तो पैसे कितने आएंगे, 2,50,000 रुपए, और जाने में क्या है। अब ये प्रीमियम 50 पैसे क्यों हुआ, 40 रुपए वाला आउट ऑफ द मनी है, चांसेस। अभी हम आउट ऑफ द मनी की बात नहीं करेंगे, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, प्रशांत जी के साथ, ठीक है, हमारे साथ केवल कि नहीं, चांसेस नहीं है, चांसेस नहीं है। 5-6 विकेट आउट हो चुके हैं, 100 रन पे 250 रन का टारगेट है, क्या रन बनने के चांसेस हैं, नहीं है ना, इसलिए 50 पैसे का रेट है। लेकिन अगर कोई दो टेल एंडर लास्ट वाले जम गए और धड़ाधड़ चौके छक्के लगने शुरू हो गए और ये रेट पहुंच गया 328 से 338 रुपए कल ही कल शाम को, तो ये 50 पैसे कहां पहुंचेंगे, कितने टाइम्स, 4 times। और क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, टाइम वैल्यू 2 दिन है, इसीलिए प्रशांत जी ने बोला 2 रुपए। लेकिन अगर ये अभी दिन होते 15 तो रेट 2 रुपए नहीं होता, रेट होता 8 रुपए, ठीक है। अगर विप्रो यहां से 20 रुपए बढ़ गया, 28 से हो गया 48, क्या भाव हो जाएगा, 48, 40 में सौदा लिया, 8 रुपए तो है ही, 8 तो जेन्युइन है विदाउट टाइम वैल्यू। अब क्योंकि एक दिन रह जाएगा, टाइम वैल्यू भी कम है, तो 58 की टाइम वैल्यू भी जोड़ लो, तो 8.5-9 रुपए का भाव आपको मिलेगा। तो कॉल ऑप्शन समझा, हाँ, पहले वाली में किसमें, 330 वाली में, जिसमें ढाई वाला 330 वाला था, 330 वाली, तब हम 330 में सौदा ले रहे थे, अब तब हमको 330 से प्रॉफिट आता 48 तक, यानी कि 18 रुपए का प्रॉफिट, अब हमको 8 रुपए का आएगा क्योंकि हमने 40 वाली ली है, हमने सौदा महंगा लिया ना। अब आगे चलते हैं, मेरे पास नहीं है सर 1200 रुपए भी, और विप्रो जरूर लेना है, ठीक है, चलो 350 वाली देखो क्या है, 25 पैसे और 30 पैसे का रेट है, 25 पैसे से भी लेता हूं तो 0.25 into 2400, 600 रुपए लगेंगे,
₹600 में 8 लाख का सौदा आप एनएससी में खड़ा कर दिया आपने, और एनएससी आपको ये प्रॉमिस करती है या आपको कमिट करती है कि अगर ये ₹600 आपके 6 लाख भी होंगे तो वो देंगे, लेकिन अगर आपका प्राइस 350 या उससे नीचे रह गया थर्सडे लास्ट डे को 3:30 बजे तक, तो ये ₹600 गए। ठीक है, प्रीमियम हम पे करते हैं, लेकिन आपने लाइफ इंश्योरेंस देखा होगा, हम प्रीमियम पे करते हैं। अगर डेथ का केस होता है तो हमको क्या मिलता है, सारा सम अश्योर्ड मिलता है, नहीं तो प्रीमियम चला जाता है। सेम वे यही है कि अगर उस प्राइस से ऊपर जाएगा तो आपका सम अश्योर्ड सारा आपको उतना वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो वो पैसा आपका प्रीमियम गया। क्लियर है? ओके, थैंक यू। यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th सैटरडे को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6,300 है। ये एक दिन की वर्कशॉप है। लोगों की रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3,600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर, या यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889, 9810216089।